हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अध्ययन झोपड़ी ऑफिशियल पर। हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हम लेक्चर सीरीज लेकर के आए हैं वो लेक्चर नंबर 2। इसमें हम बात करेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड के बारे में कि कोई भी जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा उसमें सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे और पाई बॉन्ड कितने बनेंगे। ओके, तो पहले हम समझ लेते हैं कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने बॉन्ड में कितना बनता है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स, मैं इसे मिटा दे रहा हूं, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। ओके, और इधर लिखेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो अगर डब सिंगल बॉन्ड है, सारे के सारे बॉन्ड सिंगल होगा, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड में ऑल बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड हो जाता है जीरो। अगर डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। उसके बाद अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनता है, ट्रिपल बॉन्ड होगा यहाँ पे एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड। आप क्या याद रखोगे? अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो केवल सिग्मा, अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा प्लस वन पाई, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा प्लस दो पाई। मतलब हर हाल में सिग्मा बॉन्ड एक ही बनेगा। ओके, एक सिग्मा टू पाई बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड में। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना कि नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हो गए तो सभी सिग्मा बॉन्ड होंगे, पाई बॉन्ड जीरो हो जाएगा। अगर डबल बॉन्ड होगा दो दो एटम के बीच में तो एक सिग्मा एक पाई हो जाएगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा दो पाई हो जाएगा। ठीक है, हम मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल से समझते हैं कि मॉलिक्यूल्स में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। एग्जाम्पल, ये एग्जाम में पूछा जाता है अपना, मैं जो बता रहा हूँ ना एक एक चीज उसे ध्यान से देखते रहो, सारे एग्जामिनेशन से ही रिलेटेड है। CH4, इसमें देखो कार्बन का इस तरीका से स्ट्रक्चर बनेगा। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड है? एक बॉन्ड है, तो इस सिग्मा हो जाएगा। कार्बन हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड, सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड हो गया चार, पाई बॉन्ड है ही नहीं। दूसरा, अगर हम बात करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें देख लो स्ट्रक्चर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ है, दो हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ है। तो मैंने बताया जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में, जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। बाकी यहाँ सिंगल बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन, तो सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा। तो इस कार्बन में टोटल सिग्मा कितना बन रहा है? तीन सिग्मा बन रहा है ना, इसको मैं वन नाम दे देता हूँ, इसको टू। तो C1 के पास कितना सिग्मा है? तीन सिग्मा प्लस वन पाई। C2 के पास कितना सिग्मा है? थ्री सिग्मा प्लस पाई, मतलब वन पाई है। ऐसे डिटरमाइन करते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। अगर हम तीसरा एग्जाम्पल्स ले इसी पर आधारित, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें देख लो स्टूडेंट कैसे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाता है क्योंकि उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है, और ये ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे कार्बन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देख ले, इसमें देख लो तो ये सिग्मा, इस कार्बन को मैं वन नाम दे देता हूँ, इसको टू दे देता हूँ, यहाँ पे एक सिग्मा होगा, बाकी दो क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड हो जाएगा।
यहाँ पे एक सिग्मा होगा, तो सी वन के पास कितना सिग्मा है? सी वन के पास 2 सिग्मा है प्लस 2 पाई बॉन्ड है। सी टू के पास कितना है? तो सी टू के पास भी 2 सिग्मा है प्लस 2 पाई बॉन्ड है। इस तरीका से हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब इसमें टोटल 2 पाई है और टोटल सिग्मा कितना है? 1, 2, 3 सिग्मा बॉन्ड है। और भी एग्जाम्पल्स हम कर सकते हैं इस पर आधारित, मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकालना बहुत ही आसान है, और भी बहुत सारे मैं एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, आप आसानी से सीख सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि जहाँ भी सिंगल बॉन्ड बनेगा, पूरा का पूरा सिंगल होगा, वो सब का सिग्मा हो जाएगा, और अगर जहाँ डबल बॉन्ड है उसमें 1 सिग्मा 1 पाई होगा, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ 2 पाई 1 सिग्मा होगा। तो हम बात करते हैं इस मॉल के लिए, देखो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का। तो इसमें हम अगर समझना चाहेंगे तो ये जो ज्वाइंट पॉइंट है यहाँ पे क्या होगा? कार्बन होगा। इसके वैलेंसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको थोड़ा और एलिब्रेट करके बताता हूँ आपको, ठीक है? तो पहले आप इसका क्या करो, इसका कार्बन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड बना लो। तो कार्बन होगा इस तरीका से होगा, और सबके वैलेंसी को पूरा करो। तो ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड और बनाएगा, तो उस बॉन्ड को पूरा करने के लिए हम हाइड्रोजन रख देते हैं वैलेंसी को। कल हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पढ़े थे तो वहां से जानते हैं, यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है? अब सबने सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेंगे, बिल्कुल। तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करोगे तो देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 4 सिग्मा, 4 सिग्मा हो गया। इस कारण में देख लो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और एक ऊपर 4 सिग्मा, यहाँ भी 1 सिग्मा 2 3 सिग्मा, यहाँ भी 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 और 4 सिग्मा हो गया। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? टोटल काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड है इसमें। तो आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा, क्वेश्चन दे देगा और कहेगा इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड यहाँ पे 0 हो गए। अगर हम दूसरा देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ऐसे में कि कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड हो जाएगा, आप मॉलिक्यूल्स बना बना करके तो चेक कर सकते हो खुद से, तो और भी क्वेश्चंस बना सकते हो एनसीईआरटी, आपके पास बुक होगा। दूसरा एग्जाम्पल से इस तरीका से मैं एक साइक्लो हेक्सेन ले रहा हूँ, ठीक है? मैं अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड बना देता हूँ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड होगी। तो इसमें बताना है कितना सिग्मा कितना पाई होगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को आप एटम्स वाले स्ट्रक्चर में बदल लें। यहाँ पे कार्बन होगा, प्रत्येक ज्वाइंट बिंदु जहाँ है ना सब कार्बन को दिखाता है, ये सब ज्वाइंट बिंदु है, यहाँ प्रत्येक को कार्बन को दिखाएगा, तो कार्बन को दिखाएगा तो इस तरीका से दिखा देंगे। फिर यहाँ पे कार्बन आ जाएगा, यहाँ पे कार्बन आ जाएगा, यहाँ कार्बन होगा, इस जगह कार्बन हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन होगा, डबल बॉन्ड है अल्टरनेट पे, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब देखो सबका वैलेंसी पूरा है, इस कार्बन का वैलेंसी पहले वाले का ऊपर वाले का 1, 2 और 1 3 बॉन्ड बना रहा है, मतलब एक हाइड्रोजन ये लेगा तब ना 4 होगा, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, तो उसका 4 बॉन्ड पूरना चाहिए, 4 वैलेंसी होना चाहिए। यहाँ भी एक एक हाइड्रोजन ये सब लेगा तब 4 बॉन्ड पूर जाएगा सारे कार्बन का। तो यहाँ पे हम कर दिया है, सबका वैलेंसी पूरा हो गया। अब आप सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड आसानी से काउंट कर सकते हो, देखो कैसे हो जाएगा, जितना हाइड्रोजन उतना सिग्मा। आप ध्यान रख लो एक ट्रिक, एक छोटा सा बात है, हाइड्रोजन और हेलोजन ये जितना रहेगा उतना सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये ध्यान रखना, जितना हाइड्रोजन जितना हेलोजन उतना सिग्मा बॉन्ड। इसमें देख लो सिग्मा एक, ये सिंगल बॉन्ड है 1 सिग्मा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 1 सिग्मा, यहाँ पे 1 सिग्मा, यहाँ पर है इस हाइड्रोजन में भी 1 सिग्मा हो जाएगा, यहाँ पे भी ये हो गया, और ये सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ भी सिग्मा हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है उसमें देख लो 1 सिग्मा होगा, 1 पाई बॉन्ड होगा, यहाँ पे 1 सिग्मा होगा, 1 पाई बॉन्ड होगा, 1 सिग्मा होगा, 1 पाई बॉन्ड होगा। टोटल सिग्मा काउंट करोगे ना तो सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा इसमें 12,
और पाई बॉन्ड कितना हो गया, तीन, एक यहाँ पे, एक इस जगह पे और एक इस जगह पे, एक पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड हो गया तीन। तो इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड का नाम है बेंजीन। हम अभी इसके बाद आईयूपीएसी नेम भी सीखेंगे कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का कैसे आईयूपीएसी नेम करते हैं, पहले आप बेसिक सीखते चलें। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड 12 हो गया, पाई बॉन्ड कितना हो गया, 3 हो गया। इस तरीका से आप पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अगर आपको सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने आता है तो आप आसानी से हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो मेन कार्बन यूज होता है, मेन जो एलिमेंट यूज होता है वो है कार्बन। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं, देखो 1s2, 2s2 और 2p2, क्योंकि इसका परमाणु संख्या 6 होता है। तो इसमें चूंकि डी सबसेल नहीं है, सिर्फ पी है, एस और पी है, तो पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन जो होगा कार्बन का, पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन वो क्या हो सकता है, या तो sp होगा, नहीं तो sp2 होगा, नहीं तो sp3 होगा। यही तीन में से कोई एक होता है, नोट करना है इसको, लिखते चलिए आप। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, कार्बनिक मॉलिक्यूल में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन या तो sp, नहीं तो sp2, नहीं तो sp3 होगा। यही तीन में से कोई एक, क्योंकि डी सबसे तो है नहीं इसमें। तो स्टूडेंट ध्यान दो, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp होगा तो वो मॉलिक्यूल प्लानर होगा, प्लानर होगा। बॉन्ड एंगल उसमें बनेगा 180 डिग्री, ये सब बात ध्यान रखना है, ठीक है। अगर sp2 होगा हाइब्रिडाइजेशन, वो भी मॉलिक्यूल प्लानर होगा, त्रिकोणीय प्लानर। बॉन्ड एंगल इसमें स्टूडेंट बनेगा 120 डिग्री, ये बात ध्यान रखना। ये ट्राइगोनल प्लानर बनता है, प्लानर कह सकते हैं, बट sp3 प्लानर नहीं होगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 बन गया तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो वो बन जाएगा नॉन प्लानर, नॉन प्लानर बनेगा। मतलब क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल बनेगा, टेट्राहेड्रल बनेगा, चतुष्फलकीय बनेगा। और इसमें बॉन्ड एंगल जो हो जाएगा स्टूडेंट, वो हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसको नोट कर लेना है अच्छे से बिल्कुल। अब समझते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो इस पे थे कि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो प्लानर स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, sp2 होगा फिर भी प्लानर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, इस तरीका का बनता है, ट्राइगोनल बनता है या फिर इस तरीका का स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। और अगर नॉन नॉन प्लानर, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो क्या हो जाएगा, ये नॉन प्लानर हो जाएगा, टेट्राहेड्रल 109 डिग्री 28 मिनट। समझते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल आसान है। हाइब्रिडाइजेशन बराबर, आप देख के निकाल दोगे, हाइब्रिडाइजेशन बराबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, LP, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, LP ENS का मतलब हुआ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जनरली कार्बन पे लोन पेयर नहीं रहता है, तो बस आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकालो और उससे हाइब्रिडाइजेशन बता दो। एग्जाम्पल्स, आपको हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट पढ़ना है ना, तो वो मैं केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा, है ना, इसी पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। पहले मैं ऑर्गेनिक का लेक्चर कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं केमिकल बॉन्डिंग ही बनाने वाला हूँ इसके बाद, तो उसमें मैं हाइब्रिडाइजेशन को कंप्लीट एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पर आप बस ये समझो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हम कैसे निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन को। जैसे CH4 है स्टूडेंट, तो CH4 में देख लो, चार हाइड्रोजन, चार सिग्मा बॉन्ड होगा इस तरीका से। तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया चार, और चार हो गया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। अच्छा एक बात और, एक बात और हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे लिख लेना,
सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इधर लिखे में हाइब्रिड आइडियस, तो और आसान के लिए। तो सिग्मा बॉन्ड अगर चार है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, जो तीन और एक चार। अगर सिग्मा बॉन्ड की संख्या तीन है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। अगर सिग्मा बॉन्ड दो है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, क्योंकि s और p को जोड़ोगे तो दो आएगा, तो इसलिए दो। sp2 को दो और एक तीन, तो तीन हो जाएगा। sp3 में तीन और एक चार, तो चार सिग्मा बॉन्ड। इस बात को आप नोट कर लेते हैं, लिख लो ना कॉपी में, इसको लिख लो आप। सिग्मा बॉन्ड अगर चार होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, अगर तीन होगा तो sp2, और दो होगा तो sp हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के आधार पर हम निकालेंगे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले, हम लिख रहे हैं मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो इस तरीके के मॉलिक्यूल पर हमें हाइब्रिडाइजेशन बताना होगा, तो बिल्कुल हम आसानी से बता सकते हैं। इस कार्बन का पहले तो स्ट्रक्चर बना लो, डबल बॉन्ड है यहाँ पे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, मतलब इसका नाम दे देता हूँ वन, इसका नाम दे देता हूँ टू। तो C1 है और ये C2 है, इसमें दो हाइड्रोजन। ठीक, अब हाइब्रिडाइजेशन काउंट, सिग्मा बॉन्ड काउंट करो। यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, और डबल बॉन्ड जो है, इस डबल बॉन्ड पे एक पाई बॉन्ड बनेगा, एक सिग्मा बनेगा। यहाँ पर एक सिग्मा, एक सिग्मा, देखो C1 में जो है वो कितना सिग्मा है, तीन सिग्मा हुआ, एक दो तीन, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 हो जाए। दूसरे में भी देख लो, एक दो तीन, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 हो जाए। इतना आसान, चार तो sp3 हो जाएगा, तीन तो sp2, दो तो sp हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं इसमें, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट में HC CH, ये हो गया। इसमें हमें बताना है मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन, तो बहुत आसान है, देख लो एक दो तीन, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। इसको मैं नाम दे रहा हूँ C1, इसको मैं नाम देता हूँ C2। आपको काउंट करना है सिग्मा बॉन्ड, यहाँ देख लो एक सिग्मा, ये तीन बॉन्ड में से एक सिग्मा होता है, बाकी दो पाई होता है, तो पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते, केवल सिग्मा को काउंट करते हैं। यहाँ हो गया एक सिग्मा। अब देखो C1 में जो है वो कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, दो बना रहा है, दो सिग्मा बना रहा है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, sp हो जाएगा। C2 में कितना सिग्मा बन रहा है, एक और एक दो बन रहा है, दो सिग्मा, मतलब इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया। स्ट्रक्चर प्लानर हो जाएगा, बॉन्डिंग 180 डिग्री हो जाएगा। इस तरीका से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल ले इसमें कि एक हो जाएगा CH3, फिर CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें आपको बताना है प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, इसको मैं C1 कर देता हूँ, C2 कर देता हूँ, और ये C3 कर देता हूँ। देखो पहले आप इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर लो, बहुत आसान होता है। तीन हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन हम इसे जोड़ दिए सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हम जोड़ दिए, यहाँ डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है कार्बन के बीच, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ दो हाइड्रोजन कर दिए, नाम सब रखा हुआ है C1 C2 C3। अब सब में हम काउंट कर लेंगे सिग्मा बॉन्ड और आसानी से बता देंगे, ये सिग्मा बॉन्ड एक, सिग्मा बॉन्ड दो, सिग्मा बॉन्ड तीन, और सिग्मा बॉन्ड चार, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 हो गया। ठीक है, ये वाला देख लो, सिग्मा बॉन्ड एक, सिग्मा बॉन्ड दो, और एक इधर से सिग्मा बॉन्ड तीन हो गया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। तीन वाले का देख लो, C3 का एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, मतलब इसका भी क्या हो गया, sp2। इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं मॉलिक्यूल का। निकालना बहुत आसान होता है, एग्जाम में क्वेश्चन जब आ जाता है ना, और इतना छोटा बात नहीं पता रहता आपको, तो गलत करके आ जाते हो, और फिर आपका मार्क्स नीचे चला जाता है। इसलिए ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का ये सब बेस है, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए। हम अगले एग्जाम्पल लें इस मॉलिक्यूल में, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पता है, मैंने इसे पिछले वाले वीडियोज में इसको अच्छे से बताया था, आप देख सकते हो। तो जहाँ डबल बॉन्ड है उसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 ही होगा, इस बात को ध्यान रखना है। पहले आप असाइन कर लो इसके बॉन्ड स्ट्रक्चर को, देख लो यहाँ वाला जो कार्बन होगा इसमें एक हाइड्रोजन आएगा, एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ भी दूसरा हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे तीसरा आएगा, और यहाँ पे फोर्थ हाइड्रोजन आएगा। ठीक है,
अब सबने सिग्मा बॉन्ड काउट कर लो, अभी हम सिग्मा बॉन्ड काउट करें, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे दो और एक यहाँ पे तीन, तीन सिग्मा बॉन्ड आया, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, इसका हो जाएगा sp2 हो जाएगा। इस कार्बन में देख लो, इसका बिल्कुल आसान होगा, इसका भी कर लो, ठीक है। यहाँ पे देख लो, एक सिग्मा बॉन्ड एक नीचे और ये डबल बॉन्ड में एक सिग्मा आया, तो टोटल हो गया इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन एक सिग्मा इधर, दो और एक तीन, मतलब इसका भी हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा sp2, इसका भी हो जाएगा sp2, सबका sp2 होगा, इसमें सबका sp2 हो जाएगा, sp2 sp2 ये हो जाएगा sp2। अगर मॉलिक्यूल में दो लगातार डबल बॉन्ड हो ना तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, ध्यान रखना, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। इसमें अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने जाए तो पहले तो आप मॉलिक्यूल का 1 2 नंबर दें, ठीक, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर कार्बन है। अब सब में हमें काउंट करना है सिग्मा बॉन्ड, ठीक। तो पहले वाले ये जो डबल बॉन्ड है इसमें एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, तो दूसरे कार्बन में टोटल सिग्मा कितना है, दो सिग्मा है। बीच जो 2 नंबर का कार्बन है वो 2 सिग्मा बना रहा है, और 2 सिग्मा बराबर होता है sp, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp। तो जहाँ पे दो लगातार डबल बॉन्ड आ जाए, कंटिन्यूटी आ जाए कॉन्टिन्यूस वे में, तो वहाँ उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। इधर वाले का देख लो sp2 हो जाएगा, दो हाइड्रोजन है तो 2 सिग्मा और 1 सिग्मा यहाँ से, तो इसका हो जाएगा sp2। पहले वाले में भी देख लो, 1 सिग्मा यहाँ है, 2 हाइड्रोजन है, तो इसका क्या हो जाएगा sp2, इस तरीका से। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो sp नहीं होगा हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लो और ये लास्ट एग्जाम्पल होगा, फिर आप और भी मॉलिक्यूल्स में क्वेश्चन दे दूंगा, आप कर लेना। तो इसमें अगर हम बात करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड सी और यहाँ पे ले लो CH3, इसमें देख लो, इसमें हम पहले नंबरिंग असाइन कर देते हैं, ठीक, 1 2 3। एक बार ध्यान रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन परमाणु का होता है, एटम का होता है, मॉलिक्यूल का नहीं होता, एटम का होता है। हम लोग देख रहे हैं ना, एटम का कर रहे हैं, कार्बन का कर रहे हैं ना, कि इस पूरे मॉलिक्यूल का कर रहे हैं, मॉलिक्यूल का नहीं होता है हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो एक सिग्मा इधर से और एक हाइड्रोजन यहाँ है, तो सिग्मा 2 हो जाएगा, जितना हाइड्रोजन जितना हैलोजन उतना सिग्मा, 2 हो गया, तो मतलब इसका sp हो जाएगा, इस कार्बन का भी sp हो जाएगा, एक सिग्मा यहाँ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो sp हो गया। तीसरे वाले का क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन इधर है तो 3 सिग्मा यहाँ एक सिग्मा, मतलब sp3 हो गया। बिल्कुल आसान है, आपके लिए मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, आप इसको समझ लो। sw स्मार्ट वर्क होता है, sw का पूरा नाम, ठीक है, स्मार्ट वर्क, आप कर लेना, सब में आपको हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेना है, इस तरीका सबको 1 2 3 कार्बन कर देना और आप आराम से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, CH3 CH2 CH3, ठीक है। आप उसके बाद आप बना सकते हो इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH3, सब में निकाल लेना सबका। पांचवा में आपका हो जाएगा इसमें, मैं यहाँ पे कर देता हूँ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, आपको इसमें बताना क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे। ट्रिपल बॉन्ड है, इसका कर लेना हाइब्रिडाइजेशन, फिर उसके बाद में दे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें कर लेना, 7 हो गया CH3 Cl, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन मेथेन की तरह हो जाएगा, sp3 ही होगा। उसके बाद 9 नंबर में मैं दे देता हूँ CH3 CH2 Br, तो सभी सभी जितने एटम मैं दिया हूँ क्वेश्चंस में, आपको सारे एटम्स का निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, सभी कार्बन का निकालना है, 1 2 3 सबका निकालना है, इसमें सबका निकालना, देखो इसमें है ना CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, सबका निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में।
फंक्शनल ग्रुप्स एंड देयर स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप्स होता क्या है। स्टूडेंट देखो, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का जो केमिकल और फिजिकल नेचर होता है ना, वो उसके फंक्शनल ग्रुप से ही डिफाइन होता है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं रहेगा तो डिफाइन होगा ही नहीं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का जो डेवलपमेंट हुआ, तो जब उस कंपाउंड का एनालिसिस किया गया तो उसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप मिले, जैसे अल्कोहल का, एल्डिहाइड का, कीटोन का, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो उसका आज हम देखेंगे, इसको अच्छे से नोट कर लेना, फंक्शनल ग्रुप्स एंड देयर स्ट्रक्चर्स। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि इसका एक छोटा सा परिभाषा क्या हो जाए, फंक्शनल ग्रुप्स का परिभाषा है ना। इसका परिभाषा बहुत आसान हो जाएगा, आप लिख लेना इसका डिफिनीशन क्या होगा। दोज ग्रुप्स इन इन द मॉलिक्यूल दोज ग्रुप्स इन द मॉलिक्यूल व्हिच डिफाइन which defines its chemical and physical properties is known as फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, मतलब फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, तो ये किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के फिजिकल और केमिकल नेचर को बताता है कि कौन सा अल्कोहल होगा तो उसमें अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। हम सारे फंक्शनल ग्रुप का टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड में 12-13 फंक्शनल ग्रुप है, या इससे एक दो ज़्यादा होगा, सबको हम अच्छे से कवर कर लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे, तभी आप ऑर्गेनिक सीखोगे। मैं ये पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। अगर ये नहीं पढ़ोगे तो आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ में आएगा, इसलिए इसको अच्छे से देखो। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, प्रत्येक फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे और उसके बाद उसके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। ठीक है, जैसे पहला हो जाता है हमारा स्टूडेंट, पहला जो हो जाएगा एक नंबर में, हम सबसे पहले पढ़ेंगे, आप लिखते जाना, फंक्शनल ग्रुप्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो देखो, इसका जो फार्मूला होता है C(OH) होता है। ठीक है, अगर इसके स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो ये वैलेंसी खाली होगा, C(OH) होगा और OH होगा, ऐसा इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का हो गया। अच्छा, इसमें एक और बात, हम प्रीफिक्स और सफिक्स भी लिखते चलते हैं ताकि आपको याद हो जाएगा, हम एक बार और बता देंगे लेकिन फिलहाल अभी इसको याद कर लेना। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, फार्मूला COOH होता है, C(OOH), स्ट्रक्चर हो जाएगा C(OO) और OH हो जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं हम, दूसरा और हो जाएगा इसमें सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड, ठीक है, तो सल्फोनिक एसिड का जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है एक वैलेंसी खाली, SO3H। ठीक है, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें इसमें स्टूडेंट, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड S(OO), OO, और इधर से लगा तो OH, इस तरीका से हो जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज और याद करते चलो, लिखते चलो, वो अच्छा रहेगा। इसके लिए एक होता है 2° सफिक्स, या सीधा बोल दो सफिक्स। ठीक है, तो सफिक्स हो जाता है इसका सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ये भी आपको याद रखना है कि इसका सफिक्स क्या होगा, सल्फोनिक एसिड। इसका प्रीफिक्स क्या होगा, प्रीफिक्स होता है इसका सल्फो, ये भी याद रखना। तो आप इसका भी देख लो, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी लिख लो। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो सफिक्स हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बोक्स, इसका हो जाता है स्टूडेंट ओइक एसिड। क्या हो जाएगा, ओइक एसिड, OIC, ओइक एसिड, याद रखोगे। कार्बोक्सिलिक
कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होगा, ओइक एसिड, और इसका प्रीफिक्स नहीं होता है क्योंकि ये सबसे प्रायोरिटी ऑर्डर में वन नंबर पे आता है, ठीक है। इसका प्रीफिक्स नहीं, याद रखिए, सफिक्स होता है ओइक एसिड। अगर कोई पूछे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या है, तो ओइक एसिड, फॉर्मूला CO है, तो स्ट्रक्चर इस तरीका से होता है C11O, ठीक है। ये हो गया हमारा सल्फोनिक एसिड, जिसका फॉर्मूला SO3H है, स्ट्रक्चर S11OH है, सफिक्स सल्फोनिक एसिड है, प्रीफिक्स सल्फो होता है, ठीक। नेक्स्ट तीसरा जो हो जाएगा हमारा, तीसरा तीसरा हम लोग देखेंगे तो ये हो जाता है एस्टर। एस्टर इसका फॉर्मूला हो जाएगा CoOR। आर होता है अल्काइल ग्रुप, आर होता है, आर को क्या कहते हैं, अल्काइल ग्रुप। ये अल्काइल ग्रुप होता है कार्बन चेन, कार्बन चेन, ये भी कार्बन का श्रृंखला ही रहता है, CH3 CH3 CH2 इस तरीका से होगा, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा, स्ट्रक्चर बहुत आसान होता है, सी डबल बॉन्ड ओ और ओ आर। मैं बहुत प्यार से पढ़ रहा हूँ, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। उसके बाद इसमें सफिक्स जो लगाते हैं हम लोग, सफिक्स वो लगाते हैं ओ एट, ओ ए टी, ओ एट, ठीक है, एस्टर का। इसके लिए जो प्रीफिक्स होता है स्टूडेंट, जनरली इतना यूज नहीं होता है, लेकिन प्रीफिक्स होता है इसका, लगा सकते हैं इसके लिए प्रीफिक्स एल्कोक्सी होता है, एल्कोक्सी, एल्केनोइट, एल्केनोइट, एल्कोक्सी, एल्केनोइट। यहाँ पे थोड़ा सा एल्कोक्सी, एल्केनोइट, इस तरीका से ये हो जाएगा सफिक्स। तो इसका प्रीफिक्स भी कम ही यूज होता है, इसके IUPAC नेम में भी एल्कोक्सी एल्केनोइड ही लिखा जाता है। जब IUPAC सीखेंगे तो और इसको जानेंगे, एस्टर को। लल ऑफ एस्टर के बारे में सूत्र याद रखिए, COOR, एल्कोक्सी, ये अल्काइल ग्रुप आर हो गया, स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका C11OOR, सफिक्स हो जाएगा ओएट, एल्कोक्सी एल्केनोइड हो जाएगा इसका प्रीफिक्स, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं चार नंबर में हो जाएगा इसका एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा C11O और X। X का मतलब क्या होगा, हैलोजन, हैलोजन मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सब हो जाएगा। इसका जो सूत्र भी यही हो जाएगा, सूत्र का फॉर्मूला C11O X, और स्ट्रक्चर भी यही हो जाएगा COX हो जाएगा। अगर इसके हम फार्मूला की बात करें तो इसी को आप कंबाइन कर दो तो COX हो गया, स्ट्रक्चर COX हो जाएगा। इसके अगर हम सफिक्स की बात करते हैं, सफिक्स इसका हो जाता है ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड, बहुत आसान। अगर इसके प्रीफिक्स की बात करते हैं तो प्रीफिक्स हो जाता है हेलो कार्बोनील, हेलो कार्बोनील, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट कितना हो गया ये हमारा, चार। उसके बाद पांचवा, पांचवा में अगर हम ले ले तो हम लिख लेते हैं अमाइड का, अमाइड फॉर्मूला हो जाएगा इसका अमाइड का C11O और NH2। ध्यान रखना, जब NH2 ग्रुप CO से जुड़ रहेगा तब उसको अमाइड बोलेंगे, अगर NH2 डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको अमाइन बोलते हैं, तो ये अमाइड हो जाएगा। तो इसका जो सफिक्स हो जाएगा, सफिक्स, सफिक्स मतलब जो बाद में लगेगा वर्ड रूट के बाद में, उसको बोलेंगे अमाइड, अमाइड ही होता है। और इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो होता है एमीडो, बिल्कुल आसान हो गया है ना। इसमें अगर नाइट्रो हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो उसको बोलते हैं एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, फिर होगा तो एन एन डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, जैसे इस तरीका से अगर सब्स्टिट्यूशन का केस आएगा ना,
अमाइड का बस इतना याद रखो, सी डबल बॉन्ड हो NH2 हो गया, फिर अमाइड हो गया, ये भी अमाइड हो गया, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें इसी में, फिर तीर का निशान लगा कर लिखते हैं, एन सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। इसमें क्या होगा ना कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, मतलब इसका इस तरीका से स्ट्रक्चर बनेगा, सी डबल बॉन्ड ओ एन और एच और यहाँ से एक अल्काइल ग्रुप, एक कार्बनिक चेन जुट जाएगा, इसको बोलेंगे एन सब्स्टिट्यूटेड, मतलब एक हाइड्रोजन की कमी हो गई, इसको बोलते हैं 2 डिग्री अमाइड, क्योंकि यहाँ से दो कार्बन जुटा हुआ देख रहे हो, एक इधर से कार्बन है एक यहाँ से, तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइड, ये 2 डिग्री अमाइड होता है। इसी तरीका से एक होता है एन कॉमा एन डाई सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, ठीक है, इसको बोलते हैं, इसमें क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर इसका, सी डबल बॉन्ड ओ एन, इधर से भी आर इधर से भी आर, R1 R2, ये बराबर भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो जब दोनों हाइड्रोजन हट गया तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री अमाइड, क्या बोलेंगे स्टूडेंट, 3 डिग्री अमाइड, ठीक है, R1 R2। चलो उसके बाद हम देख लेते हैं 6 नंबर में अमाइड हो गया, उसके बाद हम देख लेते हैं ये एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है और स्ट्रक्चर भी इसका एक ही होगा, स्ट्रक्चर ही देख लो, ये हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन, फिर सी डबल बॉन्ड ओ और फिर इधर से कार्बन ग्रुप, इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड, मतलब हाइड्रोजन गायब है, ठीक है। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, फार्मूला, तो फार्मूला इसका हो जाएगा सी ओ, सी ओ का हो जाएगा होल टू और ओ हो जाएगा इस तरीका से, सी ओ ग्रुप टू और ये ओ हो जाएगा। अच्छा ये बनता कैसे है, तो जब दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुटेगा ना, अगर इसके फॉर्मेशन की हम बात करें, फॉर्मेशन से बहुत आसान होता है, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये एक हो गया सी डबल बॉन्ड ओ एच और यहाँ पे ये एक हो गया सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ पे देख लो एक का एच एक का ओ एच, एक का पूरा ओ एच और एक का एच, अगर हटेगा तो ये बनेगा -H2O, निकल गया ओ एच एच बन के, तो ये बच क्या गया सी डबल बॉन्ड ओ, एक ऑक्सीजन बचा बीच में, फिर यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, यही हो गया एसिड एनहाइड्राइड, इसको बोलते हैं, इसका नाम सीधा एसिड एनहाइड्राइड ही लिखा था सफिक्स में, इसका सफिक्स क्या हो जाएगा एसिड एनहाइड्राइड ही होता है, प्रीफिक्स कुछ भी नहीं लिखते, ठीक है। तो नेक्स्ट हम एक बात कर लेते हैं इसमें, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 7वां नंबर, 7वां, 5वां था, 6 नंबर था, 7वां हो जाएगा। 7वां में हम देख लेते हैं स्टूडेंट साइनाइड का, साइनाइड बहुत महत्वपूर्ण है, इसका फॉर्मूला होता है CN, स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका, देखो C और ये ट्रिपल बॉन्ड N से जुड़ा होता है, इस तरीका से नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहता है। इसके लिए जो सफिक्स यूज करते हैं, सफिक्स वो बहुत महत्वपूर्ण है, नाइट्राइल याद रहना चाहिए आपको। इसके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं स्टूडेंट, वो होता है साइनो, बिल्कुल सही, 8वां, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, फॉर्मूला इसका हो जाएगा NC, स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका N CCC, नोन पेयर, जब नाइट्रोजन से जुड़ेगा अल्काइल ग्रुप तो आइसोसाइनाइड, जब कार्बन से जुड़ेगा तो साइनाइड, ठीक है। इसके लिए जो सफिक्स का अगर हम बात करें, तो सफिक्स हो जाएगा इसके लिए आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, और प्रीफिक्स हो जाएगा इसका आइसो साइनो। आप ये सब लिखना, क्योंकि अगले लेक्चर में जब हम IUPAC नेम पर बात करेंगे तो उसमें सफिक्स प्रीफिक्स यूज होता है, बहुत यूज है, आपसे एग्जाम में पूछ लेगा ये आइसोसाइनाइड का सफिक्स क्या है, तो आइसोनाइट्राइल है वो, फिर क्या हो जाएगा ये प्रीफिक्स क्या होगा, तो आइसोसाइनो होगा, ये सब याद रखना है आपको। 9 नंबर में अगर हम बात करते हैं, तो 9वां आ जाता है हमारा एल्डिहाइड,
दो नंबर पे आ जाएगा हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला वो हो जाएगा CHO। बिल्कुल आसान है। अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं इसमें, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और क्या हो जाएगा H। C डबल बॉन्ड O H को एल्डिहाइड कहते हैं। जब हाइड्रोजन से जुड़ा हो तो एल्डिहाइड, वह जुड़ा हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये एल्डिहाइड हो गया। इसके लिए स्टूडेंट अगर हम सफिक्स की बात करें, सफिक्स तो सफिक्स में इसको लगाते हैं AL, अल। प्रीफिक्स इसके लिए जोड़ा जाता है स्टूडेंट फॉर्मिल, FORMIL, फॉर्मिल याद रहेगा। प्रीफिक्स फॉर्मिल, सफिक्स अल, AL। फॉर्मूला CHO, स्ट्रक्चर COH। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं 10 नंबर पे आ जाता है हमारा कीटोन। कीटोन, कीटोन की अगर हम बात करें तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा, फार्मूला पहले उसी को लिखेंगे, फार्मूला हो जाएगा CO। ठीक है, और इधर भी वैलेंसी खाली, दोनों तरफ से कार्बन जुटेगा। ठीक, स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O इस तरीका से। अच्छा, ये नीचे ऊपर दोनों से ऑक्सीजन हो सकता है डबल बॉन्ड के साथ, इस तरीका से हो जाएगा। इसके लिए जो सफिक्स यूज करते हैं हम लोग, वो हो जाता है इसका ओन, ONE। ठीक है, और प्रीफिक्स यूज करते हैं स्टूडेंट ऑक्सो या फिर कीटो, ये लगाते हैं प्रीफिक्स में। ठीक, 11 नंबर का आ जाता है हमारा एल्कोहल। एल्कोहल फॉर्मूला हो जाएगा इसके लिए OH, फॉर्मूला OH, और उसके बाद स्ट्रक्चर भी OH ही होगा, इसमें इसमें क्या स्ट्रक्चर होना। तो उसके बाद इसका जो सफिक्स हो जाएगा, सफिक्स हो जाएगा ऑल, OL। ये है ऑल, OL, और एल्डिहाइड भी था अल, AL, ध्यान रखना। प्रीफिक्स हो जाएगा इसका हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, ये ध्यान रखना। उसके बाद आ गया हमारा 12 नंबर का, 12 नंबर। बारह नंबर में हम ले लेते हैं अल्कोहल के बाद आता है स्टूडेंट थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल बहुत आसान है, इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा इसका क्या, SH, थायो अल्कोहल हो गया। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर भी यही हो जाएगा, इसमें हम लगा देते हैं थायो अल्कोहल में लगा सकते हैं हम सफिक्स। इसके लिए सफिक्स हो जाएगा थाइऑल, थाइऑल, और प्रीफिक्स हो जाता है इसका, प्रीफिक्स में लगा सकते हो मरकैप्टो, मरकैप्टो याद रखना। पूछा गया कभी कभी थायो अल्कोहल का प्रीफिक्स क्या होगा, मरकैप्टो सबसे यूनिक है। 13 नंबर में हो जाएगा स्टूडेंट ईथर। ईथर, ईथर का फॉर्मूला हो जाएगा आपका RO R, इस तरीका से, और ऑक्सीजन भी लोन पेयर रहता है। इसके लिए कुछ मतलब वो सफिक्स नहीं होता है, सीधा प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स हो जाता है इसके लिए एल्कोक्सी, एल्कोक्सी। प्रीफिक्स क्या हो जाएगा इसका, एल्कोक्सी, बस याद रखना आप। तो ये सारे हमने फंक्शनल ग्रुप को आज कवर करा, और भी है, और भी हम देख लेते हैं, और भी लिख लो आप। ना ना बिल्कुल, इस स्लाइड पे आ जाते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ अच्छे से, और इस पे जो भी दो चार और फंक्शनल ग्रुप है उसको आप लिख लो। बिल्कुल, इसमें आप इसको देखोगे, जैसे हम बात करेंगे इसके बाद, तो हेलोजन का, हेलोजन बहुत आसान ही होता है। हेलोजन,
नंबर में हो जाएगा। चलो कि हम लोगों ने पढ़ा 13 नंबर, 13, और ये हो गया हमारा 14। 14 में देख लेते हैं हम हेलोजन। रोल आसान होता है, इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा एक्स। एक्स का मतलब क्या हुआ? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका इसमें सिर्फ प्रीफिक्स लगाते हैं, इसका सफिक्स नहीं होता। और क्या होता है? हेलो शब्द लगता है। हेलो का मतलब हुआ क्लोरो, ब्रोमो, आयडो, ऐसे। जैसे फ्लोरीन देगा तो फ्लोरो, क्लोरीन देगा तो क्लोरो, इसलिए इसको हेलो शब्द जोड़ा जाता है। 14, 15 में आ जाएगा जैसे नाइट्रो, नाइट्रो। तो नाइट्रो के लिए जो फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? NO2। ठीक है, NO2 हो जाता है। स्ट्रक्चर इसका बात करोगे तो स्ट्रक्चर इसका हो सकता है N डबल बॉन्ड O, और ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा होता है ऑक्सीजन। इसके लिए प्रीफिक्स होता है, सफिक्स नहीं होता है, और वो क्या होता है? वो होता है नाइट्रो। ठीक है, इस तरीका से एक 16 नंबर में होता है थायो ईथर। थायो ईथर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सीधा S। इसके लिए प्रीफिक्स क्या लगाएंगे? सीधा थायो ईथर ही लगाएंगे, थायो ईथर ही लगाते हैं। ठीक है, तो ये आज हमने फंक्शनल ग्रुप आप अच्छे से लिख लेना, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चंस करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑन फंक्शनल ग्रुप के बारे में, कि फंक्शनल ग्रुप आपको पहचानने आना चाहिए, तब तो आप नाम लिखोगे ना। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद हम पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर। आप एक एक लेक्चर को अच्छे से देखो, इसमें हमने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को कवर किया है, ठीक है, बहुत अच्छे से। उसके बाद हमने देखा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, फिर हमने इसमें पढ़ा फंक्शनल ग्रुप्स एंड देयर स्ट्रक्चर्स। तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो थैंक यू स्टूडेंट, जय हिंद।